Good morning, students. Welcome to my class. Myself, Mrs. Rajni Bhatia. आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 क्लास 6 के लिए डाटा हैंडलिंग. सम रॉ डाटा इज गिवन टू यू. उसको आपने टेबल फॉर्म में लेके आना है या उसको आपने कहीं ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं. तो लेट्स सी एक्सरसाइज 14.1. फर्स्ट क्वेश्चन, द हाइट इन सेंटीमीटर of students of class 6th were recorded as below. ये आपके पास कुछ heights दी हुई हैं, centimeters में हैं ये सारी. Arrange the data in the tabular form using tally marks. आपने इसका एक table बनाना है tally marks वाला और इसको tabular form में data को arrange करना है. तो चलिए हम start करते हैं. Question number 1, here it is. सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें आपको कौन कौन सी हाइट गिवन है, सबसे छोटी हाइट क्या है और सबसे बड़ी हाइट क्या है. तो देखिए 116 है, 117 है, इसी तरह से 125 भी है. तो जो लोएस्ट हाइट आपको दिख रही है दैट इज़ 115 और जो हाईएस्ट दिख रही है दैट इज़ 125 आई थिंक. सो आपने इस डेटा को कैसे अरेंज करना है, सबसे पहले आप एक ऐसा टेबल बनाएंगे. लुक एट दिस, इट इज़ हाइट इन सेंटीमीटर्स, देन टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. हाइट आप यहाँ लिख लेंगे आपके टेबल के अकॉर्डिंग, आपके गिवन डाटा के अकॉर्डिंग. देखिए सबसे छोटी हाइट जो थी वो 115 थी, देन 116 भी है, 117, 118, 119, इस तरह से आप 125 तक चले जाएंगे. तो इस तरह से आप इसको टेबल फॉर्म में अरेंज करेंगे. 115 से लेके 125 तक आपने कॉलम्स बना लिए. ये हाइट आपके क्वेश्चंस में गिवन है. सो अब आप अपना क्वेश्चन देखिए, आपकी बुक में क्वेश्चन है, वहां से आप इसको देख सकते हो. सबसे पहला जो है इट इज 116, तो 116 ये है, इसके आगे आप एक लाइन लगा देंगे. 117 नेक्स्ट, देन 125, तो आप 125 के आगे एक लगा देंगे. देन 116, अगेन 116 के आगे एक और लाइन आ जाएगी. इसी तरह से 118 पे आ जाएगी. देन 120, देन 125, अगेन यहाँ. नेक्स्ट इज 121, देन 124, आफ्टर दैट 117, आफ्टर दैट 116, 115, 119, 121, 117, 116, 119, 123, 120, 116. अब देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, 116 जो है वो फिफ्थ टाइम आ रहा है, फिफ्थ टाइम आ रहा है. तो फिफ्थ जो लाइन है वो ये बनेगी. आपने फाइव लाइंस ऐसे सीधी नहीं अरेंज करनी, फोर लाइंस एंड फिफ्थ लाइन जो होगी इस तरह से जाएगी. ये फाइव का एक ग्रुप सा बनेगा. 121, 119, 116 अगेन, 118, 125, 116, 119, 123, 122, 121, 120. सो इस तरह से इन सारी एंट्रीज को हमने इसमें फिल कर लिया. सारा डाटा इस तरह से अरेंज करने के बाद अब हम इनको काउंट करेंगे. वन, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, वन. हेयर इट इज़ फाइव, ये फाइव हो गए, फाइव और सिक्स और सेवन, तो यहाँ सेवन. दिस इज़ थ्री, दिस इज़ टू, फोर, थ्री, फोर, टू, टू एंड थ्री. और स्टूडेंट्स एक बार आप इसको ज़रूर देख लेंगे, एंट्रीज मिस नहीं होनी चाहिए. नंबर वन और नंबर टू, इसमें जो फिफ्थ एंट्री है, फिफ्थ का कॉलम हमेशा ऐसे बनेगा, वन, टू, थ्री एंड फोर, एंड दिस इज द फिफ्थ. ऑल फाइव फाइव की ग्रुपिंग होगी. तो ये हो गया आपका टेबल. क्वेश्चन नंबर टू, द वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन केजी आर गिवन बिलो. ये वेट है केजी में जो 25 स्टूडेंट्स का है. अरेंज द डाटा इन अ टेबुलर
फॉर्म यूजिंग टैली मार्क्स. सेम टैली मार्क्स का आपने टेबल बनाना है. अब इसमें आप चेक करिए, इसमें देखिए 25, 34, 32, 28, 25, 28, इस तरह से आप चेक कर लेंगे और जो जो ये डाटा है ये आप सारा लिख लेंगे. नाउ लुक एट दिस. सेकेंड इज वेट इन केजीज. आपके पास एक एंट्री 25 है, फिर एक 28 है, 32 है, 33 है और 34. आप क्वेश्चन चेक कीजिए, अगेन देखिए इसमें यही एंट्रीज जो हैं ये रिपीट हो रही हैं बार बार. तो आपने जो नंबर है उसको लिख लिया 25, 28, 32, 33, 34. अब आप इसको सेम उसी तरह से पढ़ते जाएंगे और यहाँ अरेंज करते जाएंगे. सो लुक, फर्स्ट इज आप अपनी बुक से ये क्वेश्चन साथ साथ देखिए. 25 फर्स्ट, देन 34, 32, 28, 25, 28, 34, 32, अगेन 32, 34, 32, 25, 28, 34, अगेन 34. देखिए फिफ्थ एंट्री है 34 की, तो वो इस तरह से जाएगी. आफ्टर दैट 28, अगेन 28, 25, 32, 33, 32, 34, 33, 32, 25. सो फिफ्थ एंट्री इज लाइक दिस. ये टोटल आपके पास 25 थे. अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है जो टैली मार्क्स का काउंटिंग आएगी. 5, 5, दिस इज 7, दिस इज 2 एंड दिस इज 6. आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इनका आप टोटल कर लीजिए. 5 एंड 5, 10, 10 एंड 7, 17, 17 एंड 2, 19, 19 एंड 6, 25. तो यहाँ आपके क्वेश्चन में मेंशन था, देखिए द वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल वही आना चाहिए जितना ये नंबर ऑफ यहाँ एंट्रीज हैं, नंबर ऑफ डाटा. सो क्वेश्चन नंबर 3, अगेन एकता आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर द साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास 6th. एक लड़की है जिसने उसकी क्लास के स्टूडेंट्स को कौन से नंबर का शू आता है उसकी उसने एक मेजरमेंट ली और एक डाटा अपने पास कलेक्ट किया. हर फाइंडिंग्स आर रिकॉर्डेड इन द मैनर गिवन बिलो. दिस इज 5, 4, 7, 5, 6. इस तरह से किसी स्टूडेंट को 5 नंबर का आता है, किसी को 4 का आता है, किसी को 7. तो देखिए सबसे लेस जो वैल्यू है वो है 4 और सबसे बड़ी जो वैल्यू है जो किसी स्टूडेंट में सेट होती है दैट इज आई थिंक इट्स 8. तो 4 से 8 तक का साइज वेरी कर रहा है. अरेंज द डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म. अगेन सेम आपने टेबल ड्रॉ करना है. हेयर इट इज साइज ऑफ शू 4, 5, 6, 7 एंड 8. आपने क्वेश्चन में देखा या तो 4 साइज है स्टूडेंट्स का या 5 या 6 या 7 या 8, यही एंट्रीज रिपीट हो रही हैं. सेम टैली मार्क्स फ्रीक्वेंसी, सेम वे में आप इसको बना लेंगे. उसी तरह से जिस तरह से डाटा आता जाएगा आप उसको अरेंज करते जाएंगे. फर्स्ट इज 5, देन 4, देन 7, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 6, 5, then 4, 5, 6, this is the fifth entry. 8, 7, 4, 6, 5, 6, 4, 6, then 5, 7, 6, 7, 5, 7, 6, 4, 8 एंड 7. सो दिस इज ऑल अबाउट द टैली मार्क्स. अब आपने इसी को कैलकुलेट करके फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है.
frequency is first 5, then 5, 6, 7, 8, then 5 this and 5 this, 10. After that, 5 and 2, 7, and this is 2. This is the table using the tally marks. Next is again same. Question number 4. Shweta threw a dice 40 times and noted the number appearing each time as shown. Shweta ek ladki, usne kya kiya? Dice. Dice pata hai kya hota hai? Jisse aap ludo khelte hai. जिससे आप नंबर्स फाइंड आउट करते हैं लूडो खेलते वक्त, दैट इज़ द डाइस. उसके ऊपर कहाँ से कहाँ तक नंबर्स मार्क होते हैं, 1 से 6 तक के. तो उसने 40 टाइम्स ये डाइस फेंका, यानी कि ये जो एंट्री है, ये जो डाटा है, इसका नंबर क्या है, 40 है. तो कई बार 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5, इस तरह से 1 से लेके 6 तक के नंबर्स वेरी करेंगे. क्वेश्चन है, मेक ए टेबल एंड एंटर द डेटा यूजिंग द टेली मार्क्स. और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले आपने टेबल बना लेना है, बाद में आपने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ए नंबर अपीयर्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर अपीयर्ड, ये हम बाद में आंसर देंगे, पहले हम टेबल बनाएंगे. तो सेम वे में जैसे हमने पीछे टेबल्स बनाए हैं, वैसे ही हम टेबल बनाएंगे. सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4. नंबर ऑन डाइस, डाइस के ऊपर क्या नंबर आ रहा है, ये 1 आएगा या 2 या 3, 4, 5 और 6, इन्हीं में से कोई नंबर आएगा. टेली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी. लेट्स मेक द टेबल अगेन. फर्स्ट नंबर इज 1, देन इट इज 2, देन इट इज 1, 5, सेम वे 3, 5, 2, 1, 5, 3, 2, 6, again 6, 4, 3, 2, 6, 6, 5, 3, then again 3, this is the fifth entry, slanting jayegi, 1, 2, 5, 5, 5, 4, 2, 4, 5, 5, 4, 1, 6, 5, 1, 6, 1, 6, 5. सो दीज आर द टेली मार्क्स. सारी एंट्रीज हमने ये ले ली. अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे. सो फ्रीक्वेंसी इज 5 and 2, 7. दिस इज 6, दिस इज 5, 4. आपने ये कैलकुलेट करनी है, ये गिनती करनी है, काउंट करना है, 1, 2, 3 and 4. दिस इज 5. ये जो पेयर सा है ना, ग्रुप सा है, पेयर नहीं कह सकते, ग्रुप कहेंगे. ये जो ग्रुप है ये 5 को रिप्रेजेंट करता है. इसको काउंट करना इजी है. 5 + 5, 10 and 1, 11. दिस इज 5 and 2, 7. सो हेयर आर सम क्वेश्चंस ऑल्सो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन सा है, ये 11 सबसे ज्यादा है, ये कौन से नंबर के लिए है, यानी कि 5 नंबर जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन अपीयर कर रहा है, 5. और मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि सबसे कम बार कौन सा नंबर आया, ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, किसके लिए है, 4 के लिए. तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर है, 4, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो सबसे ज्यादा बार डाइस पे अपीयर हुआ, दैट इज 5. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 हैड ए मैथ्स टेस्ट एंड द स्कोर मार्क्स आर आउट ऑफ 10, विच आर लिस्टेड बिलो. ये जो 6 क्लास है उनके स्टूडेंट्स को मैथ टेस्ट दिया गया, उसमें से 10 में से जितने मार्क्स लिए स्टूडेंट्स ने,
आप कई स्टूडेंट्स के 10 में से ये देखिए 1 भी आया है और कईयों के 10 में से 10 भी आया है. 1 से 10 के बीच में ये नंबर्स वेरी कर रहे हैं. तो आपने इसको अरेंज द डाटा इन द यूजिंग द टेलीमार्क्स, सेम टेबल बनाना है टेलीमार्क्स के साथ, और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने आंसर करने हैं. लेट्स डू इट. टेबल उसी तरह से बनाया जाएगा जैसे पीछे बनाया है. देखिए मार्क्स 1 से लेके 10 तक के आप लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 10 तक पूरी एंट्रीज लिख लेंगे, टेलीमार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी. लेट्स डू इट. फर्स्ट इज 3, देन 8, अगेन 3, देन 7, 4, 6, 6, 3, 9, 2, 5, 8, then 5, 6, 7, 9, 7, 5, 10, 8, 9, 8, 7, 6, 7, 5th entry, 6, this is again 5th entry, again 7, then 1, 5, and 8. So here are the telemarks. आप इसको काउंट कीजिए और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कीजिए. तो फर्स्ट इज 1, देन अगेन 1, देन 3, देन 1, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 5, 3 एंड 1. दिस इज द फ्रीक्वेंसी. अब आप क्वेश्चंस को देखिए जो आपकी बुक में गिवन है. उसमें है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन और इक्वल टू 6. कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 6 या उससे कम आए हैं. अब 6 यहाँ तक या उससे कम, यानी कि आपने क्या करना है, ये देखिए ये 6 है, 6 का यहाँ तक का ये मार्क कर लीजिए. या तो 6 हो या उससे कम. उससे कम ये पीछे के सारे कैलकुलेट हो जाएंगे. तो 5 and 4, 9 and 1, 10, 10 and 3, 13, 14 एंड 15. तो 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके या तो 6 मार्क्स आए हैं या उससे कम आए हैं. आफ्टर दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 7 मार्क्स. 7 से ज़्यादा, 7 को नहीं गिनना, 7 से ज़्यादा. तो टेबल पे अगेन आइए, देखिए 7 से ज़्यादा, ये यहाँ तक 7 का काम हो गया. उसके आगे क्या है, ये जो 8, 9 और 10 वाली फ्रिक्वेंसी है इसको आप प्लस कर लीजिए. 5 and 3, 8, 8 and 1, 9. सो 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि 7 से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं. 9 स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग मोर देन 7 मार्क्स. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 14.1 स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कम्प्लीटली. थैंक यू सो मच.